दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 के एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर कई सारी असामान्यताएं, एबनॉर्मलिटीज, घपले, घोटाले जो सामने आए उसको लेकर हम सब लोगों ने प्रयास किया, हम सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाई तो एनटीए को आखिर स्पष्टीकरण देना पड़ा। लेकिन आपका माथा ठनक जाएगा, ये स्पष्टीकरण और ये नोटिफिकेशन देख कर भी आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा। बिना देरी किए सीधे नोटिफिकेशन पे आते हैं। आप देख रहे हैं अभी प्रेस रिलीज एक एनटीए का आया है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ द कैंडिडेट ऑन नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024। 4 जून 2024 को जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बारे में आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो सवाल हैं, उनके बारे में ये आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं, इन्होंने 2 बजे से लेकर 5:20 तक भारत के 4750 सेंटर्स पे 571 शहरों में, जिनमें से 14 शहर देश के बाहर भी हैं, इन पर 24 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाया। पहली बात, अब ये कह रहा है, इन लाइट ऑफ द रिसेंट क्यूरीज रेज बाय द कैंडिडेट इट हैज बीन फेल्ट नेसेसरी टू इश्यू द फॉलोइंग क्लेरिफिकेशन। तो ये कह रहे हैं कि इनको लेके कुछ क्लेरिफिकेशन हमें देने हैं। तो इन्होंने पॉइंट वाइज क्लेरिफिकेशन देखो दिए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024, ये कह रहे हैं द कट ऑफ स्कोर आज डिटरमाइंड ऑन द बेस्ड ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन की जाती है। कट ऑफ एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट आउट ऑफ 720 वेरी ईच ईयर, हर साल जो है ये वेरी करते हैं। मतलब ये यहीं से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो वेरिएबल हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल के साथ इस बात को लिखा है। देखो इनका कहना ये है, 2020 में एग्जाम हुआ, एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मिनिमम स्कोर क्वालिफाइड इन द यूआर कैंडिडेट्स। अब ये कह रहे हैं कि इस बार एवरेज मार्क्स जो है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा आ गए। 2023 में एवरेज मार्क 279 थे और इधर 323 थे। पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसको एवरेज करने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है। जो हाई स्कोरर हैं देश के 30,000, 35,000, 40,000 बच्चे हैं जो 600 से ऊपर नंबर लाते हैं, जैसे पिछले साल 28,000 लाए थे, इस बार वो 30,000, 35,000, 32,000 हो सकते थे। इसके अलावा 500 से ऊपर जो क्लब है उसमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हो सकते थे, तो उनकी बात क्यों नहीं की जा रही है, क्यों एवरेज निकाला जा रहा है। और साथ में ये कह रहे हैं कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो पिछले साल जनरल का बच्चों 137 नंबर था वो बढ़कर 164 नंबर हो गया है, ये मार्क्स हाई होने के कारण क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हुआ। अब देखो इन्होंने कहा कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ द टाइम, जो टाइम की हानि हुई, नुकसान हुआ समय का, उसके कारण मार्क्स जो है वो दिए गए, मतलब कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। पहली बात तो समय के बदले नंबर या मार्क्स देने का कोई चलन, कोई नियम नहीं है। दूसरी काम की बात, अगर समय नष्ट हुआ था तो आपको समय के बदले समय देना चाहिए था। जैसे सवाई माधोपुर के सेंटर पे अगर पेपर को लेके गफलत हुई तो आपने समय के बदले समय देकर एग्जाम क्यों लिया, उन बच्चे को सीधे ही घर भेज देते आप कह देते कि आपको समय के बदले क्या दिए जाएंगे मार्क्स। तो देखो यहां कहा गया फ्यू डाइट पिटिशन आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द नीट यूजी 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड द छत्तीसगढ़ रेजिंग कंसर्न ऑफ द लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एट फ्यू एग्जाम सेंटर टू कंसर्न्स रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स, जो मामले बच्चों के द्वारा उठाए गए थ्रू द पिटिशन एंड द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन। तो आप ये कह रहे हैं, मतलब एनटीए का कहना यह है कि जो मुद्दे उठाए गए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने जो उठाए गए, एनटीए ने उनको कंसर्न में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, देयरफॉर ए ग्रीवेंस कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द एमिनेंट एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन फील्ड के एक्सपर्ट्स की एक इन्होंने कमेटी बनाई, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द सच ग्रीवेंसेस एंड रिप्रेजेंटेशन टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। तो उस कमेटी ने इनको रिपोर्ट सौंपी। साहब इस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी, इस कमेटी ने तो काम तमाम कर दिया। आप समझ सकते हैं लाखों बच्चों के भविष्य का कबाड़ा कर दिया और एनटीए की फजीयत करवा दी, वो अलग है। द कमेटी कंसिडर्ड द ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्चुअल रिपोर्ट्स। क्या था इनका कहना कि सीसीटीवी वगैरह इन्होंने देखे, वहां के एग्जाम सेंटर्स देखे, जो लॉस ऑफ टाइम हुआ था उसके बेसिस पे इन्होंने जो एक मैकेनिज्म, एक फॉर्मूला लगाया। अब देखो क्या था, इसको सुनना ध्यान से। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम जो हुआ एंड सच कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड विद मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस्ट। मतलब कोई एक बच्चा उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितने आंसर करता है, उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी क्या है, किसी भी एक बच्चे की आंसरिंग एफिशिएंसी जो है वो आंसरिंग एफिशिएंसी क्या है,
सबसे पहले काम की बात यह है उस आंसरिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो टाइम उसका लॉस्ट हुआ इनको ध्यान में रखते हुए एज पर द मैकेनिज्म और फॉर्मूला स्टेब्लिश बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट वाइड जजमेंट, ये 2018 के एक जजमेंट की बात कर रहे हैं और ये जो 2018 का जजमेंट था इसके हिसाब से इन्होंने कहा। देखो बड़ी मजे की बात यहीं सामने आ रही है, 1563 कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड, 1563 बच्चों को मार्क्स दिए गए, 1563 बच्चों को संतुलित किया गया। अच्छा 1563 कैंडिडेट्स को कंपनसेट किया गया फॉर द लॉस ऑफ टाइम एंड द रिवाइज मार्क्स ऑफ सच कैंडिडेट्स वेरी फ्रॉम, मजे की बात देखिए ध्यान से देखना ये बच्चों बहुत ध्यान से आप देखना, वो कह रहा है जो रिवाइज मार्क्स इन कैंडिडेट्स के क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर लिखा है -20, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके इसको आपको दिखा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स को हमने कंपनसेट किया उनके मार्क्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, -22 ध्यान से देख लीजिएगा, अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा, -22 ये कह रहे हैं -22 720 मार्क्स देखो यहां मेंशन किया गया है। तो इन्होंने जिन कैंडिडेट्स को मार्क्स बेनिफिट दिया मतलब टाइम जो लॉस हुआ उसको जो कंपनसेट किया उसके बदले इनका कहना है कितने मार्क्स दे दिए गए, मार्क्स लोगों को अलग अलग दिए गए, कितने लोगों को दिए गए, 1563 बच्चों को मार्क्स दिए गए और ये जो मार्क्स थे वो -20 से 720 है, मतलब समझ नहीं पा रहे, मतलब किसी बच्चे को आपने मार्क्स दिए तो रिवाइज या रिवीजन होने के बाद वो कितने पहुंच गए 720 और किसी के -20 भी हो गए। अब ये कहीं फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कल एक नया नोटिस जारी करके या रात को एक नया नोटिस जारी करके फिर से आप कह दो कि नहीं ये माइनस नहीं था ये गलती से लिखा गया। खैर अमंगस दीज द स्कोर ऑफ टू कैंडिडेट्स ऑल्सो हैपन्स टू 718 and 719, तो और वो कह रहे हैं इसी के कारण ये जो स्कोर है वो 718 and 719 हो गए। सच्चाई एंटी ने अब थोड़ी सी बोलना शुरू की है और इन्होंने जो सच्चाई बोली है उसके हिसाब से देखो ये साफ हुआ है कि जो मार्क्स रिवाइज किए गए उन मार्क्स के रिवाइज किए जाने के कारण भी मतलब जो टाइम के रेफरेंस में या टाइम को कंसिडर करते हुए टाइम लॉस को कंसिडर करते हुए जो कंपनसेट किया गया उसके कारण भी कितने मार्क्स आए 720 मार्क्स आए। इससे पहले एनटीए के एक अधिकारी ने बड़ा झूठ बोला और कहा कि फिजिक्स का एक जो सवाल था उसको कंपनसेट करने के कारण ही 44 कैंडिडेट्स जो हैं उनको पहले 720 मार्क्स नहीं थे और फिर वो बढ़े, उसका स्पष्टीकरण भी इसमें दिया गया है। तो बच्चों आप ये देख पा रहे हैं इन्होंने कहा कि हमने 1563 बच्चों को समय का नुकसान होने के कारण फायदा दिया। आगे बात करते हैं, बहुत अजीब है अपने आप में ये। On the analysis of CCTV footage, it was exigent that the integrity of the examination was not compromised at the center. ठीक है, अब देखो टॉपर्स की बात आती है तो इन्होंने देखो टॉपर्स की बात की कि नीट यूजी 2024 में जो टॉपर्स आ रहे हैं उनका क्या चक्कर है, ये आप सुन लो। टॉपर्स इन नीट यूजी 2024, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596, 20,38,596 बैठे थे, इस बार वो कह रहा है 23,33,297 बैठ गए। ठीक है, तो एक तरीके से करीब करीब आप समझ लीजिए 3,00,000 बच्चे बढ़ गए। द इंक्रीज इन द कैंडिडेट्स नेचुरली लीड टू इंक्रीज द हाई स्कोर, और उनका कहना है कि वो 3,00,000 बच्चे जो बढ़े ना उनके कारण स्कोर बढ़ गया। सिलेक्शन रेट 10% ही आता है, 12% 15% मैक्सिमम, तो इसके हिसाब से तो आप ये कह सकते हैं 3,00,000 कैंडिडेट जो बढ़े इसके हिसाब से तो जो है वो सिलेक्शन रेशियो और रेट के हिसाब से इतने ही बच्चे अंदर आने चाहिए थे। NTA received 13,373 चैलेंजेस जो है वो प्रोविजनल आंसर की में जो है वो फिजिक्स में इन्होंने फेस किए, 13,373 लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया आंसर की का। ड्यू टू द डिफरेंसेज इन ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी एंड न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हेल्ड द टू ऑप्शंस बी टेकन एज द करेक्ट प्लेस ऑफ वन ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन था फिजिक्स का उस फिजिक्स के क्वेश्चन के हमने कितने आंसर लिए, 2 आंसर लिए, 2 आंसर्स, 2 ऑप्शंस जो है वो यहाँ आंसर्स लिए गए, 2 ऑप्शंस जो है बच्चों वो आंसर्स यहाँ ले लिए गए और इसके कारण इनका कहना है आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 मार्क्स, आउट ऑफ 720 मार्क्स 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ द फिजिक्स। इनका कहना है कि जो 44 हैं
वो 44 तो जो है वो इसलिए बढ़ गए 720 पे या इसलिए पहुंच गए क्योंकि फिजिक्स के पांच नंबर जो है या फिजिक्स के क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो रिविजन के बाद बढ़ गए. आंसर की ऑफ द फिजिक्स एंड सिक्स आर ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम. अब अगली सच्चाई सामने आई, पहले आधी सच्चाई सामने आई थी. 44 जो बच्चे हैं उन 44 को तो आंसर की जो फिजिक्स की इन्होंने रिवाइज की उसके कारण 720 आ गए, और 6 जो थे उनको टाइम लॉस होने के कारण कंपनसेटरी प्रोसेस जो की गई कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम के कारण आ गए. तो इस तरीके से महाराज आपने जो है 44 और 6 50 बच्चों को भारत में 720 पे ला दिया. ठीक है, इसके अलावा मतलब एग्जैक्टली इसके अलावा जिन बच्चों के प्रोविजनल आंसर की आने के समय 720 मार्क्स थे उनका नंबर सिर्फ कितना था, 17. ये सच है, सच यही है. इसके बाद आप आगे देखिए, इट इज द प्रिटेंड टू मेंटेन दैट द टॉपर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज डेट 4 June 2024. 4 जून को जो प्रेस नोट आया था उसमें टॉपर्स को हाईलाइट भी किया गया था. डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन 4 June एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम प्रोसेस. फिर ये कह रहे हैं कि हमने ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी भी रखी और NTA जो है वो इस रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए 23 लाख बच्चों के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए 30 दिन का समय लेता है. अच्छा वो तो ठीक है आपने, लेकिन जो आंसर की रिवाइज की वो इतनी जल्दी क्यों कर दी. ठीक है, इसके बाद कह रहा है NTA हैज ए सेट प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जामिनेशन. ये खैर वही सारी बातें. अब कह रहा है रिगार्डिंग अनफेयर केस या अनफेयर मीन्स केसेज, एक्शन टेकन इन अनफेयर मीन्स केसेज आर इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स. द NTA हैज रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट द इम्प्रेजेंटेशन एंड सम केसेज हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस. अच्छा सारी बात ये कह रहा है, लेकिन ये भाई जहां हुआ वहां आपने किया क्या, पेपर का क्या किया, ये कहकर इन्होंने काम खत्म कर दिया. ठीक है, तो सबसे ज्यादा डरावनी बात और सबसे ज्यादा मजाकिया बात तो यहां है, एक बार आप फिर से देख लो. इनका कहना है कि हमने जो है वो टाइम को कंपनसेट करके बच्चों को मार्क्स दिए, और टाइम को कंपनसेट करके बच्चों को जब मार्क्स दिए तो दो स्थितियां आपके सामने हैं. उनका कहना यह है कि जो रिवाइज्ड मार्क्स हैं वो वेरिएबल हैं. रिवाइज्ड मार्क्स इनका कहना है -20 से लेकर -22 720 मार्क्स हैं. मतलब कुछ बच्चों को जो 6 बच्चे लिखे भी इन्होंने, 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इन 6 कैंडिडेट्स को 720 मार्क्स इसलिए आए क्योंकि हमने रिवाइज करके टाइम के कंपनसेशन में टाइम के लॉस में उनको मार्क्स दिए. और इसके अलावा इनका कहना यह है कि 44 कैंडिडेट्स जो थे उनको फिजिक्स के क्वेश्चन के कारण 720 मार्क्स आ गए जो पहले नहीं आ रहे थे. लेकिन ये -20 का लॉजिक क्या है. अब इतनी बात तो ठीक है, लेकिन एकदम से ये जो एंट्री बढ़ गई है, मैं फिर एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, फिर एक सवाल उठा रहा हूँ. 28,000 बच्चे 28K, ये 28,000 बच्चे जो हैं वो 2023 में 2023 में 600 प्लस मार्क्स लाते हैं. ठीक है, और अचानक ये अगले साल बढ़कर 90,000 हो जाते हैं, 90,000. अभी इस बार का जो रिजल्ट आया उसके कारण 90,000, मैं लोअर एंड पकड़ के चल रहा हूं 90,000. तो एक तरीके से ये 62,000 ज्ञानी बच्चे अचानक कहां से आ गए. मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था. बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू.